हाय गाइज, आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और भाई आज का जो वीडियो है गाइज, आपको पता ही है कि किस टॉपिक पे होने वाला है। जैसे कि कल मैंने कहा था गाइज आपको कि फोर फिंगर क्लो ऑफ सेटअप आपको मैं बताऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो मेरे को कि हाँ भाई आपका मतलब क्लो ऑफ सेटिंग चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूं। और कल वाले वीडियो अगर नहीं देखो तो गाइज डिस्क्रिप्शन पे एक मिनट का वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि फोर फिंगर क्लो ऑफ सेटअप मैं बताऊंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपको चाहिए तो। बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया और बोला भाई हाँ भाई दो, तो मैंने फाइनली यहाँ पर वो वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आप देख तो गाइस यहाँ पर मेरा प्रोन बटन, स्कोप वगैरह या फिर जंप बटन जो भी है, मतलब आप राइट हैंड से ही सारा कुछ मतलब आप एकदम फास्ट फास्ट काम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर गाइस आपको सेटअप दिखाते हैं और आपको बताते हैं कौन चीज कहाँ कैसे रखना, ठीक है। उसके बाद गाइस लास्ट में आपको या फिर मिडिल में आपको कहीं भी कोड मिल जाएगा, तो गाइस आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कोड गाइस वर्क नहीं होता है, और गाइस कोड वर्क नहीं होगा तो फिर आप पछताओगे बाद में। तो इसलिए गाइस वीडियो को बिना स्किप किए ही आप देखो पहले मैं कहाँ कहाँ सेटअप करता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस सेटिंग्स पे जाते हैं और दूसरा लेआउट पे जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल में जाने के बाद। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो लेआउट वन में मेरा ये कुछ मतलब सेटिंग, और यही सेटिंग मैं आपको बताऊंगा अभी लेआउट टू पे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं लेआउट टू पे, और भाई आप देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ मतलब न्यू है, ठीक है, जो ओरिजिनल में रहता है गाइस उस तरह का। तो गाइस सबसे पहले जो बात करेंगे मेन टॉपिक, जो चीज़ आप वर्क नहीं करते हो उसको डायरेक्ट पहले आप साइड करो, ठीक है। जो मैं जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ वो पहले साइड करता हूँ। देखो जैसे कि ये साइड, जो साइड स्कोप आपका रहता है गाइस, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो इसे इस कोने पर लेकर आता हूँ और इसे एकदम छोटा कर देता हूँ और गाइस गायब भी कर देता हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते हो उसको हटा दो यार बीच से, ठीक है। तो मैं यही बताऊँगा, अभी जो ये कैमरा है ये भी मेरा कोई काम का नहीं है, तो इसे भी साइड करते हैं और इसे छोटा करके गायब कर देते हैं, ठीक है। तो आप भी गाइस इस तरह से मतलब कोई ऐसा जगह गायब करो जहां आपका मतलब जो है हैंड क्लिक नहीं होता, उस टाइप का जगह में, ठीक है। और जो आपका स्माइली जो ये है गाइस इमोजी वाला, तो ये यहीं रहने देते हैं, बाद में इसको गाइस हटाएंगे हम। तो चलो सबसे पहले गाइस सेटअप जो होता हमारा वो होता है फायर बटन, ठीक है। तो फायर बटन को चलो गाइस ये वाला जो फायर बटन है ये फोर फिंगर वालों के लिए होता है, और एक यहाँ है जो ये टू फिंगर वालों के लिए होता है। तो चलो यहाँ पर गाइस पहले हम फोर फिंगर वालों के लिए करते हैं, टू फिंगर तो गाइस बाद में बताऊँगा कभी और। तो चलो फोर फिंगर वालों के लिए सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मान लो पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है। तो इसे गाइस यहाँ फिट करना, तो यहाँ फिट करने से पहले आप ये जो है गाइस आपका स्कोप छोटा करने वाला, ठीक है। तो आप इसे गाइस थोड़ा सा इधर ले आओ, उसके बाद इसको आप यहाँ लगा लो, ठीक है, इस वाली जगह पे बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अब जो आता है गाइस आपका जॉयस्टिक, ठीक है। तो जॉयस्टिक जो गाइस आपका जो आपका परफेक्ट जगह होता है गाइस उसका मैं बताता हूँ। देखो ये वाला जगह पे आप रखो एकदम इस वाले जगह पे, ठीक है, मतलब फायर बटन और ये, ठीक है, मतलब सेम होना चाहिए आगे पीछे, ठीक है। तो इसे आप कुछ इतना रख लो, 78 या फिर 80 तक आप इसे रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं 82 या 79 ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलो आपका जो ये है मैप, तो मैप को गाइज आपको इस वाले जगह पे लाना है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर है मैप, तो मैं मिडिल में लेकर आता हूँ, मैं यहीं रखता हूँ। हल्का सा गाइज से आप छोटा करो, थोड़ा सा ऊपर कर दो और यहाँ पर लेकर आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो आपका है ये जो स्पीकर वाला बटन सब रहता है सेटिंग्स, वो मेरा गाइज कुछ ये वाले जगह पे है, ठीक है, ये वाले जगह पे। तो आप इस तरह यहाँ पर ला सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब जो आता है आपका गाइज वो होता है स्कोप वगैरह और पिक एंड फायर वगैरह, ठीक है। तो चलो उससे पहले सेट करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर जगह खाली नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है जगह खाली नहीं है, ठीक है। तो आप ड्राइव वाले ऑप्शन को गाइज आप क्या करो, यहाँ पर लेकर आ जाओ इस वाले जगह पे, आप देख सकते हो। और रिवाइव वाला बटन जो आपका गाइज यहाँ पर ले आओ, ठीक है। बहुत हार्ड है मतलब नहीं है, बट गाइज आप देखोगे तो आपको हार्ड लगेगा, बट जब सेट हो जाएगा तो बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखो अभी आपको क्या करना है, जो आपका स्कोप है ये वाला स्कोप, तो ये वाला स्कोप को आपको यहाँ रखना है, ठीक है, आपको तो पता ही इसको यहाँ रखना है। तो इमोजी को यहाँ से गाइज हम गायब करके यहाँ ला देते हैं, ठीक है, इसे हम बाद में आपको कहीं भी रख लो या फिर मैं इसे यहाँ ले आता हूँ। अभी चलो स्कोप जो है गाइज आपका बड़ा करते हैं, यहाँ पर कुछ इतना रखते हैं। तब तक ये सब गाइज आप इस साइड कर दो, ठीक है, इधर कहीं रख दो आप ये सब जो आप पिकअप करते हो अपना सामान, ठीक है। तो यहाँ चलो स्कोप रख दिए हम, इस वाली जगह पे स्कोप हो गया हमारा। अब जो आता है गाइज हमारा जो है रिलोडिंग बटन, तो रिलोडिंग बटन गाइज आपको ये यहाँ लाना है और यहाँ पर आपको हल्का सा मतलब इसे बड़ा करना है कुछ इतना और यहाँ रख लेना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, देखो बताता हूँ आपको, पिक एंड फायर बटन को लाना है। तो पिक एंड फायर बटन को यहाँ लेकर आते हैं, ये रहा पिक एंड फायर बटन, इसे हल्का सा बड़ा करते हैं कुछ 190 तक कर देते हैं, ठीक है, या टू यहाँ पर 199 कर देते हैं, ठीक है। इससे आप इससे भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। अब जो एक और आपका जो पिक एंड फायर बटन है, इसे भी गाइज हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जितना हम पहले किए थे, यहाँ पर
तो हो गया, ठीक है। तो अभी आप ये दोनों को यहाँ रखते हैं और एग्जिट बटन यहाँ पर आपको जगह खा रहा, तो गाइस इसको आप यहाँ से ला के डायरेक्ट रिवाइव वाले बटन पे यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो जो आता है गाइस आपका ये क्राउच बटन या जंप बटन और प्रोन बटन, तो कैसे इसको फिट करते हैं। तो यहाँ पर जो रनिंग बटन है गाइस यहाँ पर लाते हैं इसको और हल्का सा यहाँ पर मतलब बड़ा करते हैं मतलब फुल, और इस वाले जगह पर रख देते हैं। इसका कोई काम नहीं है तो इसको आप साइड कर दो, छोटा कर दो और गायब कर दो यहाँ से। तो ये भी गायब हो गया, इसे पूरा मतलब गायब ही कर दो। उसके बाद आता है क्या, मार्क टू लोकेशन। तो मार्क टू लोकेशन गाइस इस वाली जगह पर रख दो और इसे बड़ा कर दो, ठीक है। सॉरी गाइस ड्राइव बटन यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर ला देते हैं। तो मार्क टू लोकेशन जो यहाँ पर आप फुल कर दो इसे और यहाँ रख दो, जैसे कि आप तुरंत मार्क टू लोकेशन करके एनिमी वगैरह या फिर क्रेट में कुछ गन से या फिर कुछ भी रहे तो आप उसे मार्क लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलो यहाँ पर लगाते हैं बीच में गाइस एफपीपी बटन, ठीक है। तो आपका एफपीपी बटन यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेके आप इस वाली जगह पर लगा सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर एफपीपी बटन भी हमारा हो चुका है। अब जो है आपका आता है बैकपैक और जो है जंप बटन, ठीक है। तो बैकपैक यहाँ पर है, तो बैकपैक पे आप लाओ और इस वाले जगह पे रखो, बट यहाँ पर मैसेज बटन है तो इसे आप गायब करके इस वाले जगह पे ला सकते हो और इसे हल्का सा छोटा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ला सकते हो। तो ये हो गया, अभी बैकपैक का जगह खाली हो चुका, तो यहाँ पर हल्का सा आप कुछ इतना मिनिमम इतना रखो और इस वाले जगह पर रख दो, ठीक है। और स्कोप जो है ये मैं बाद में बताऊँगा, बट इसको मैं साइड करके अभी यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अभी आपको जंप बटन फिक्स करना है, तो एक जंप बटन को गाइस जो ये वाला जंप है इसको आपको नीचे रखना है, ठीक है। नीचे रखना है और कुछ इतना आपको रखना है इसको बिग साइज पे और इतना कम कर देना, ठीक है। ये वाले को गायब कर देना, और ये वाला जो है जंप बटन उसका ऊपर जस्ट इसको लाना है और भाई उतना ही आपको रखना है यहाँ पर और हल्का सा नीचे, ठीक है। तो गाइस ये भी हो गया हमारा सेटअप, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलो यहाँ पर हमको क्राउच बटन भी लाना है। तो क्राउच बटन लाने के लिए गाइस ये वाले फायर बटन को आप स्मॉल कर दो पहले, ठीक है। एकदम स्मॉल कर दो इसको, कुछ इतना स्मॉल कर दो, एकदम 50 पे, और इस वाले जगह पे रख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आपका हैंड जो है नहीं जाता है। तो क्राउच बटन कब लेते हैं, यहाँ पर क्राउच बटन को लाते हैं और इससे हम इतना कर देते हैं, ठीक है। तो क्राउच बटन का जगह हो चुका है। अब बचता हमारा प्रॉन बटन। तो प्रॉन बटन मैंने कहाँ रखा था आपको पता ही है, तो ये मैं बाद में रखूँगा, बट इसको पहले हम साइड करके यहाँ लाते हैं, ठीक है, ताकि इसके लिए जगह चाहिए मेरे को। तो चलो अभी गाइस गन के बाद आती है। तो गाइस गन को आपको यहाँ रखना एक, ठीक है, और एक यहाँ पर रखना, ताकि आप फटफट गन को स्विच कर सको प्रोन करके फास्ट, जो जैसे कि कल मैंने एक 1 मिनट की वीडियो पे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं ये दोनों गन्स को। तो ये हो जाने के बाद अभी आपका जो है यहाँ पर आपको लाना है प्रोन बटन, जहाँ पर आपका जो है ये ग्रेनेड वगैरह, तो ग्रेनेड वगैरह को यहाँ पर ला देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर जस्ट मैसेज के ऊपर। और ये वाले जो छोटे गन से गाइस इसको नीचे कर देते हैं, और इसे भी फायर बटन को नीचे करते हैं, मैसेज को नीचे करते हैं यहाँ पर हल्का सा, और ग्रेनेड को हल्का सा इस वाले लोकेशन पर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका जो है प्रॉन बटन जो है यहाँ पर फिक्स कर देना है इस वाले जगह पे। तो हल्का से इसे भी साइज कर दो कुछ इतना, ताकि आपको मतलब क्लिक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो है ओपन, जो आप गेट वगैरह ओपन करते हो तो वो आप इस वाले इस तरह के लोकेशन पे आप रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्किप वगैरह ये जो रहता है ये तो आपको पता है क्या चीज़ काम करता है, बट इसे आप कहीं भी रख सकते हो। अब जो आपका एक चीज़ बचता है वो है गाइस स्कोप वाला, ठीक है, जो आप स्कोप फटफट चेंज करते हो। तो गाइस वो ये वाले जगह पे मेरा वो वाले जो सेटअप है उसमें लगा हुआ था, ठीक है। तो इसे हल्का सा बड़ा कर देते हैं कुछ इतना, और ये वाले जगह पे आप रख सकते हो, ताकि आपका 4 फिंगर वाले जो फिंगर है उससे आप इजिली क्लिक करके मतलब आप फास्ट स्कोप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया गाइस। अभी आप देख सकते हो कहाँ पर क्या कुछ लगा हुआ है। बस यही मेरा सेटअप था, बहुत ही ईजी है, बस आप थोड़ा सा टाइम दो और आपका जो सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसे सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो ये रहा सेटअप, बन के रेडी हो चुका है। तो भाई ये चीज़ का आपका वेट था। तो 4 फिंगर सेटअप थोड़ा सा गाइज आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, बट उतना भी हार्ड नहीं, आप इजिली मतलब सेट कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पर गाइज अभी आप मतलब देखो रिफ्लेक्स, गाइज देख सकते हो मैं फट से मतलब गन स्विच मतलब यहाँ कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरे पास गन नहीं है, बट मैं प्रोन होकर मतलब फास्ट ओपन मतलब उठ के दिखा दिया, ठीक है। तो गाइज आप भी इस तरह मतलब फास्ट रिफ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है। तो 4 फिंगर सेटअप आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा कैसा है मेरा, आप गाइज एक बार देख लो। यहाँ पर फायर बटन है गाइज, यहाँ पर आपका स्कोप है, यहाँ एफपीपी बटन है, यहाँ पर रिलोडिंग बटन है, यहाँ पर गाइज पिक एंड फायर बटन है, यहाँ पर जंप बटन है, यहाँ क्राउच बटन है आपका, यहाँ पर रनिंग बटन है, यहाँ बैकपैक है, यहाँ पर क्राउच आपका जो प्रोन है वो है, ठीक है। तो मैसेज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो, एक जो 2 फिंगर वालों के लिए फायर बटन है 2 फिंगर वालों के लिए यहाँ पर है, और पेन वगैरह ग्रेनेड वगैरह यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो गाइज बहुत ही सही है, आप भी ये सेटअप कर लो। तो आई होप कि आपको ये वाला मतलब सेटअप अच्छा लगा होगा। तो गाइज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, और अपने मतलब आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज यहाँ पर अभी आपको कोड दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा गाइज कोड, तो ये रहा गाइज आपका शेयर कोड में जाते हैं और यहाँ पर आपको कोड दिखा देते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा है, जिस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ गाइज सेम इसी तरह का कोड आपको यहाँ पर डालना, तभी आपका कोड जो वर्क होगा। कोड नहीं वर्क होगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे मतलब आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।